हे गाइस, अर्चना ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बना रहे हैं दोपहर का खाना गाइस। तो आलू मटर का सूखा सब्जी बना रहे हैं, जो आलू उबाल दिए थे, मटर उबाल के, और बिना लहसुन प्याज के खाना दोपहर में बनाते हैं, क्योंकि हम एक ही बार खाते हैं तो बिना लहसुन प्याज के ही खाते हैं। तो सूखा सब्जी बनाया है, किसी चीज़ में खाई, आलू में, परौठा में, फिर चटनी बना रहे हैं टमाटर का, मीठा चटनी गुड़ डाल के। तो इसमें भी टमाटर पहले ही उबाल के उसको थोड़ा मथ दिए थे, और उसको फिर अच्छे से महीन से, और उसका छत्ता उत्ता निकाल दिए। इसमें गुड़, काजू, किशमिश, लौंग, इलायची, लेकिन भी पूड़ी परौठा कुछ में भी खा सकते हैं। तो दोपहर का खाना है तो हैवी रहता है, दो तीन सब्जी हो जाता है, चटनी, साग, भुजिया, जैसा रोज़ रोज़ का दिन रहता है, जैसा सब्जी रहा वैसा बनता है रोज़। तो दोपहर में हैवी खाना तो बन भी करता है, सबके घर में बनता है अभी खाना। फिर चना का साग बना रहे हैं, जो अभी सीजन में आल है बहुत चना का, खेसारी का साग, तो चना का ही खाते हैं। मेरे घर में सब चना ही पसंद करता है, तो चना का साग बना के खाते हैं। और चना साग उबल जाने के बाद उसको मथना पड़ता है, फिर दाल बना रहे हैं। तो अरहर का दाल है, इसमें नमक हल्दी डाल के और तेल डाल के, तेल डालने से गल जाता है पहले ही, उसके बाद तड़का लगा देते हैं। और सब काम खत्म होने के बाद एडिटिंग करते हैं दोस्तों, एकदम गंदा एडिटिंग हो रहा है, क्या करें, हमको एडिटिंग करने ही नहीं आ रहा है, बहुत परेशान रहते हैं। एक तो घर का काम करो, दिन भर हाउस वाइफ का दिन भर काम रहता है, एक मिनट फुर्सत नहीं। ये चावल चढ़ाया, फिर मक्का का रोटी है, फिर एडिटिंग करने जब भी बैठते हैं तो एक तो समय इतना लगता है, इतना समय लगता है, और उसके बाद एडिटिंग में गड़बड़ा ही जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ाएँ, और सही से हो ही नहीं रहा है, और क्या करें जी, अपने जैसे तैसे कर रहे हैं और समय बहुत ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, कुछ दिन में सीख जाएंगे हम, और जैसे साथ देते हैं इसी तरह देते रहिए। फिर बर्तन वर्तन धो के, साफ सफाई करके, स्नान करके, पूजा करके, फिर इसे बताते हैं कि जैसे कि यूट्यूब पर जब बताने इधर उधर किसी से बतियाने से चुगली निंदा होता है, यूट्यूब पर मन भर जितना जो बात करना है करिए, खाली समय में यूट्यूब पर बतियाने में हमको अच्छा लगता है, बात करते रहते हैं अपना चैनल में। तो सब हो गया, और उसके बाद फिर कुछ अगर गलती होता है दोस्तों तो ज़रूर क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हमको अभी अच्छा से उतना नहीं आता है, अभी हम नया नया है, और कुछ ना कुछ हमको मेरा करने का आदत है, हम खाली नहीं बैठते हैं, तो घर का काम करते ही हैं, तो इसी को हम पैसा बना के सोचे कि क्यों ना हम अपना अति करें। तो कभी पढ़ाई किए, कभी कुछ किए, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं बैठे, हमको पसंद ही नहीं है दोस्तों। तो अब एडिटिंग इतना गंदा है कि आप लोग कैसे देख पाइएगा, हमको तो यही चिंता रहता है। तो थैंक यू दोस्तों।